let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. नमस्कार, मैं एनएफसीआई मकसूदा से शेफ सनी। त्योहारों का सीजन चल रहा है और मीठे की बात ना हो, मीठे की बात चल रही है और हमारी जलेबी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जलेबी में मिठास तो होता ही होता है, साथ में इसके कुछ फायदे भी होते हैं। तो चलिए मैं आज आपको जलेबी के फायदे बताता हूँ। जलेबी का सबसे बड़ा फायदा है, जलेबी खाने से स्ट्रेस दूर होता है, चाहे वो आपके इंटरव्यू का स्ट्रेस हो, चाहे एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे डेली रूटीन का स्ट्रेस हो, जलेबी से स्ट्रेस दूर होता है। जलेबी खाते रहिए, आनंद लीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं शेफ नरेंद्र। आज हमने अपनी क्लासेस के अंदर जलेबी की प्रिपरेशन करी है, तो मैं आपको जलेबी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताने के लिए वहाँ, जैसे क्या होता है कि जलेबी खाने से जो है आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। जब कभी आपको सर में दर्द हो रहा हो, चाहे उसका कोई भी कारण हो, जैसे आप तनाव की वजह से अच्छी नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो रहा हो, या किसी और वजह से आपको कोई हेडेक हो रहा हो, तो उस टाइम पे आप जलेबी जो है, जलेबी का ये गुण है कि उसकी वजह से आपको जो है पेन, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दूध के साथ जलेबी खाइए, जिससे जो है आपको जो है जो सर में दर्द हो रहा है या जो तनाव हो रहा है उससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। थैंक यू। सत श्री अकाल सारों, बहुत बहुत मुबारक दुशहरे दियाँ। सो तुहानू पता है कि दुशहरा आ रहा और आप मिठाइयाँ बहुत खाते हैं। सो आप गल करते हैं कि जो भी आप कोई काम करते हैं, लाइक कोई कितने कंसनट्रेट करते हैं, कितने फोकस करते किसी चीज़ के उपर भी, तो प्रॉपरली फोकस करते कर नहीं हो पाता, लाइक कि अपने सिर के दर्द होने लग पैंती है, जब आप सही तरह कंसनट्रेट नहीं कर पाते, तो उस टाइम से की होंगे कि आपको एक इदा चीज़ चाहिए है कि आप जिदे करके अपनी जी टेंशन है, स्ट्रैस है, वो घट जाए। जब अपनी स्टडी आप करते हैं, जो छोटे बच्चे स्टडी करते हैं, तो वो होंगे कि सिर दर्द जल्दी होने लग पी, तो अपना मूड फ्रैश करने लिए, ठीक करने लिए सानू जलेबी जरूर खानी चाहिए है। सो जलेबी खाने होंगे की है एक्चुअली कि जो भी आप कोई मिठा खाते हैं, कोई भी स्वीट डिश खाते हैं, कोई भी मिठाई खाते हैं, तो उस टाइम की होंगे कि अपनी बॉडी के एक कैमिकल रिलीज़ होंगे, अपनी बॉडी कैमिकल रिलीज़ करती है जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसे कि एक हैप्पी हारमोन भी बोलते हैं। सो इनू खाने अपना जो मूड है वो हैप्पी होंगे और जो अपना कंसनट्रेट लैवल हैगा वो बढ़ता है, बढ़ता जिदा कि अपना सिर दर्द घट जाता है, अपने दिमाग तो जो बोझ है वह घट जाता है। जब आप कह सकते हैं कि अपनी जी स्टडी करते पे आप पढ़ते हैं, तो जो भी एग्जाम होंगे उस टाइम पर अपने दिमाग उत्ते ज़्यादा प्रैशर नहीं होंगे। सो उन्होंने आप ठीक करने के लिए की कर सकते हैं, आप जलेबी खानी चाहिए है। सो दुशहरे उत्ते तुम्हें पता है कि सारे कि आप जलेबी बहुत खाते हैं, हर जलेबी वाले शॉप के उत्ते अपन काफ़ी लाइना लगिया होंगे, बहुत लोग लाइक करते हैं। सो उस टाइम पर अपना क्या अपनी बॉडी में यह फायदा है। सो अपने सिर दर्द को घट करती है, अपना हैप्पी मूड करती है। सो एक बेस्ट एक ऑप्शन तुम्हें दसदा कि हमेशा तुम दुध के नाल जलेबी खाओ, बहुत वधिया, इतना बैलेंस भी रहेगा, दुध में चीनी बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, सो बहुत वधिया रहेगा। सो एनएफसीआई की तरफ तो, एनएफसीआई सोलन की तरफ तो, पूरे एनएफसी तरफ तो सानू सारिआं नू हैप्पी दुशहरा, रब करे तुहाडे दुशहरे सारा कुछ बहुत वधिया रहे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। हैलो एवरीवन, माय नेम इज शेफ धीरज फ्रॉम एनएफसीआई मोहाली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है फेस्टिव सीजन आ रहा है और दशहरा जो है बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो दशहरे के साथ जो है मिठाइयां आनी जो है मार्केट में स्टार्ट हो जाती है, और एक मिठाई जो हम सबकी फेवरेट है वो है जलेबी। तो जलेबी जो है दशहरे के साथ ठंड बढ़ती है और जलेबी जो है मार्केट में आ जाती है, जलेबी की सेल बढ़ जाती है। तो जलेबी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है अगर हम उनको कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले तो। जलेबी जो है रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का और एनर्जी का। जलेबी अगर हम मॉर्निंग में लें दूध के साथ तो ये एक स्ट्रेस बस्टर का काम भी करती है, और जलेबी जो है हेडेक में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको हेडेक में रिलीफ देती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड विद एनएफसीआई। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं शेफ कमल कुमार एनएफसीआई कांगड़े से। तो जी तो सारे जानते कि दशहरा फेस्टिवल होता, तो दशहरा फेस्टिवल अहाँ सारे इंजॉय करते, इस जलेबियाँ मेले जहाँ जाते खाते। तो जेडे लोग अहाँ दिक्कत फेस करते हिमाचल से कि कई बार नहीं बनता, तो मुझे एक हेल्थ टिप है, अगर सह बंदे स लोग अगर जलेबियाँ देसी घ्यो च जड़ियाँ तड़िया हो कहीं दुधे का गिलास होना एक सौ की तो मजा लगे, ना बार नहीं बदे। धन्यवाद। ये शेफ कौर है, ये शेफ राम।
ਗੌਰਵ ਸ਼ੈਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਗ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਲੋਕੀ ਜਲੇਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ मिठे दा मिठा इलाज दा इलाज ते क्या कहने जलेबियां दे दशहरे उपर आओ आपां रल मिल के दशहरा सेलिब्रेट करी नाल जलेबियां खाईए ते नाल आपां दे इलाज दा दस्ते की हुंदे ने थैंक यू वेरी मच जी हेलो कैसे आप सब जैसे आप सबको पता है कि अभी दशहरा आने वाला है तो दशहरे को देखते हुए दशहरे के उपलक्ष्य में हमने आज जलेबियाँ बनाई हैं तो आपको शायद पता हो कि जलेबी की न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी होती हैं तो उस न्यूट्रिशनल वैल्यू जो एक पीस की है हमारे जलेबी के वो मैं आज आपको बताता हूँ इस छोटे से जलेबी के पीस में फैट कंटेंट जो होता है वो 2.2 ग्राम्स होता है और हमारे पास इसमें प्रोटीन जो है वो 0.2 ग्राम्स होता है उसके बाद हमारे पास इसमें पोटाशियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 3.6 ग्राम्स होते हैं देन उसके बाद कैल्शियम है जो 0.5 ग्राम्स है इसमें सोडियम एंड हमारा आयरन जो है सोडियम 0.3 ग्राम्स एंड आयरन 0.1 ग्राम्स होते हैं तो जलेबियाँ ज़रूर खाएँ विथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज सो थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा Good afternoon, my name is Chef Madan. Today I am going to tell you the how to consume jalebis in the month of this September and Dashera. So consuming jalebi in the month of Ashwin helps to treat the migraine that are the common at this part of the weather. Thank you. Hey everyone, I am Chef Amit here from NFCL. जैसे कि आपको पता है, अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपको दुर्गा अष्टमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं फेस्टिवल में डेजर्ट तो सब खाते ही हैं और डेजर्ट में जलेबी मोस्टली सबकी फेवरेट है लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जलेबी के बहुत से फायदे अगर आप जलेबी को गर्म दूध में भिगो के रख रहे हो और उसको कंजम्पशन करने से आपका अस्थमा कोल्ड और कफ ठीक हो जाता है तो ये हमारी जलेबी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें लाइक कीजिए थैंक यू सो मच Hello everyone, I am Chef Raman from NFC Luganda and today we make jalebi. Jalebi can refresh you and help to relieve anxiety. जो raspberry flavor की jalebi होती है वो आपकी anxiety level and stress को feel करती है. Thank you. मैं सिर्फ रवि श्रीवास्तव NFCI होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाराणसी से तो आज हम बात करेंगे देसी घी के बेनिफिट्स के बारे में जी देसी घी के क्या क्या लाभ होते हैं तो यदि आपके माइग्रेन प्रॉब्लम या सिर में दर्द होते हैं तो देसी घी के 1-2 ड्रॉप्स अपने नोज में आप डालें जिससे कि आपको माइग्रेन और सिर दर्द से रिलीफ मिल सकता है तो उसके यूज आप किस तरीके से कर सकते हो और उसका आप डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हो जैसे मिठाइयाँ जो बनते हैं आपके घरों में तो देसी घी में उसको बना सकते हो देख सकते हो कि मैंने इमरती बना के रखा है तो देसी घी में इमरती बना के आप इसको मीठे के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं जिससे आपके माइग्रेन में सर दर्द में थोड़ा सा लाभ मिलेगा इसी तरह नए नए टिप्स हम आपके लिए लेते आएंगे तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार मैं शेफ सिमरन NFCI पटियाला से जैसे कि आप सबको पता है कि दशहरे का फेस्टिवल आ रहा है और साथ में सर्दियां भी लेके आ रहा है जैसे सर्दियों में इचिंग की प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस हो जाती है आपकी स्किन के लिए तो आप कई बार कोल्ड क्रीम यूज़ करते हो ऑयलिंग करते हो तो उसको रिमूव करने के लिए या वो चीज़ें ना यूज़ करने के लिए मैं आप बहुत अच्छी एक रेमेडी लेके आ रही हूँ वो है एक डेजर्ट तो आप सोचिए आप क्या हो सकता है वो है हमारी जलेबी जी हाँ जलेबी जलेबी बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है आपकी स्किन के ऊपर जो इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ड्राइनेस की होती है उसको ये रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी है आप भी अपने घर में लेके आइए बनाइए खाइए थैंक यू अच्छी हेल्थ सुनिश्चित करें और जलेबी में ज़्यादा कैलोरीज होने की वजह से जो लोग स्किनी हैं दुबले पतले हैं वो इसे यूज कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में दूध के साथ जिससे कि उनकी एक हेल्दी बॉडी बनेगी थैंक यू
Hello everyone, I'm Chef Niranjan here from NFCI Belgaum. As we all know that Navratri is celebrated as the fight between the evil and the good. And on Dashera, it is also known as the victory of good over evil. And so all the people fast during the Navratri and then they eat this jalebi and then finish the fast. Thank you. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi.